पौड़ी में राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में प्रभारी मंत्री चंदन राम दास ने आंदोलनकारियों, सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया। तो वहीं एक आंदोलनकारी ऐसे भी रहे जिन्होंने सम्मान लेने से इनकार कर दिया। बता दें कि राज्य आंदोलनकारी रहे महेंद्र असवाल ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में नौकरशाह बेलगाम हो गए हैं, शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर डीएम तक को दी गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे दुखी होकर उन्होंने सम्मान लेने से इनकार कर दिया। असवाल ने कहा कि आज प्रदेश में हमारी माँ बहु बेटी सुरक्षित नहीं है तो हम किस खुशी में सम्मानित हों। उन्होंने कहा कि राज्य का गठन यहाँ के विकास सुरक्षा को लेकर किया गया था, मगर आज 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी ना तो यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही प्रदेश में विकास हो पाया है, जिससे दुखी होकर उन्होंने आज सम्मान लेने से इनकार कर दिया। मैं उस समय छात्र संघ अध्यक्ष था और हमने राज्य की लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि यहाँ के युवकों को रोजगार मिले, यहाँ की युवा शक्ति का पलायन न हो, यहाँ बेरोजगारी मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, हमारी मातृशक्ति का सम्मान हो। क्योंकि मातृशक्ति ने ये कहा था कोदवा झंगुरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, परंतु उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद भी अंकिता हत्याकांड जैसे कांड जिस प्रदेश में हो रहे हैं।